हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं CISF कांस्टेबल ऑफ 2022 की जो 12 बेस के एग्ज़ाम है नोटिफिकेशन आई हुई है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिस निकली है, नोटिफिकेशन है ये, जो उसकी इसका एडमिशन डेट सारा हो चुका है 29/1/2022 से लेके 4/3/2022। ऐसी क्लोजिंग डेट है 4/3/2022। यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन्स यहाँ पे कांस्टेबल और फायर सेंटिनेशन के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। ये ऑनलाइन फॉर्म है जिसको आप फिल करना है। ये नोटिफिकेशन है मैं आपको बता रहा हूँ, इसका पे स्केल है जो कि 21,000 से लेकर लगभग 17,000 तक। ये वैकेंसी है जिस स्टेट के लिए आप भरना चाहते हो आप यहाँ से देख कर आप भर सकते हो। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ है, यहाँ पे 12 पास मस्ट है विद साइंस सब्जेक्ट में। उसका एज लिमिट है 18 से लेकर 23 तक, और आपको 5 एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा आपकी कैटेगरी वाइज। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है जो कि हाइट है 170 सेंटीमीटर और चेस्ट का है 80-85 सेंटीमीटर्स। इसके बाद ये रिलेशन है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हो या फिर नहीं, मैं जब से नोटिफाइड में बता रहा हूँ जो कि आप जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस है वो टॉपिक आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये कुछ इम्पोर्टेंस आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, हाउ टू अप्लाई ये फॉर्म दिया है, आपको फ़ोटो चाहिए वहाँ पे जो कि 20 से 50 के भी होने चाहिए, उसके बाद आपको सिग्नेचर चाहिए जो कि 10 से 20 के बी के बीच में होना चाहिए, और जो भी आपके अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि कास्ट वीडियो मिसाइल होंगे आपके मार्कशीट्स होंगे वो आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए। उसकी लास्ट डेट है 4/3/2022। इसकी ऑनलाइन फ़ी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 100 रुपीज़ है, और SC ST ASM इस कैंडिडेट के एग्ज़ाम नहीं लगेगी। जिस कैंडिडेट को 100 फी लगी ना वो आपका ऑनलाइन या फिर चालन करके पे कर सकते हो। उसका लास्ट डेट है ऑनलाइन फी करने का 4/3/2022। ये आप कुछ जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वही मैं आपको बता रहा हूँ जो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मैंने कहा था हाइट कितनी चाहिए वो, चेस्ट कितनी चाहिए वो, ये सिलेबस है आपके एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के या फिर रिटर्न एग्जाम के बेस पे। आप जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश और हिंदी सबके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स रहेंगे। उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। आपको ये इसका सिलेबस है, इसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था ये कुछ इंस्ट्रक्शन है मैं जो आपको यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंस चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपको पास होने के लिए SC ST OBC के लिए 33% और बाकी सब के लिए 35% चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंस ही भी दिखा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंस जाहिर होगा वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन फिलिंग कैसे करना है। ऑनलाइन पार्ट वन में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर पर रजिस्ट्रेशन जाना कर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, यहाँ में से कोई भी एक आपका डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको इस तरह आपका प्रोसेसेस है, मैं आपको इसका सेकेंड वीडियो भी आपको बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, तब आपको सेकेंड वीडियो देख सकेंगे। तो इस तरह का ये फॉर्म रहेगा, ये एक एग्ज़ाम के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं। उस तरह आपको आपकी इन्फॉर्मेशन आपके रजिस्ट्रेशन के पहले आपको यहाँ पे फिल करनी है। ये कार्ड एंड पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपको सेव करनी है, आपके कास्ट वास रहेंगे जो, ये सब इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपके एजुकेशन के बारे में भी आपको एड्रेस, पर्सनल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, एड्रेस के बारे में आपको पिन कोड जो भी रहेगा वो सब यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो ये आप कैप्चर ड्राइव को सबमिट करेंगे, तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको पार्ट टू है जिसमें आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। वो लॉगिन कैसे करना है मैं भी आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम के तौर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप देख सकेंगे क्या।
तो आपको ऐसे दिखे देगा, आपको ऐसे वेबसाइट पे आना पड़ेगा, फिर से आपको लॉग इन करना पड़ेगा आपसे इससे जो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से। कॉन्स्टेबल के बाद आपको ऐसे कॉन्स्टेबल फायर दिखा देगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, आप प्रिंट अप्लीकेशन कॉन्स्टेबल फायर प्रिंट निकाल सकते हो। और ये कुछ इंपॉर्टेंस है, उसके बाद आपने जैसे कि मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे फिल करने भी है। ये मैं लाइव के तौर पर आपको इसका सेकेंड वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना, क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, साथ ही बेल को प्रेस करें ताकि वो वीडियो आप देख सकें। तो चलो चलते, तो इस तरह का कोई फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा और कंटिन्यू फॉर पेमेंट। जिसको पेमेंट है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जिनको नहीं है उनको पेमेंट नहीं, डायरेक्ट उनको प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इस तरह का आपको जैसे कि मैंने कहा था आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट निकल सकते हैं। ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।